वेलकम टू स्टैनफोर्ड 7. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस लेसन टेलिंग टाइम. इस लेसन टेलिंग टाइम में हम लोग 15 पॉइंट्स सीखने वाले हैं और सिर्फ बुक्स एक्सरसाइज नहीं, बुक्स एक्सरसाइज और बुक का लर्निंग तो सिर्फ 15% है, इसके अलावा 85% लर्निंग हम लोग क्या सीखने वाले हैं. देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, 15 पॉइंट्स हम सीखने वाले हैं. क्वेश्चन ऑफ द डे राउंड होगा, रिकैप होगा प्रीवियस क्लास का, उसका 86,400 वाली स्टोरी है. टाइम टेलिंग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, आज से लेकर पूर्वज हमारे उससे पहले के लोग कैसे टाइम टेलिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे, मिली सेकेंड से लेकर डेट तक का कॉन्सेप्ट जानेंगे, एएम पीएम का क्या कॉन्सेप्ट है, कब इस्तेमाल करेंगे वो जानेंगे, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट का क्या कॉन्सेप्ट है और इसका क्या टाइम ड्यूरेशन है उसके बारे में बात करेंगे. टेलिंग टाइम वाले डिवाइस के बात होगा, फिर टाइम जोन का बात होगा. इस टाइम जोन पे एक अच्छी सी वीडियो है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. एक्शन प्लान पे काम करेंगे. टिकटॉक गेम है एक जो हम खेलेंगे अपने लाइव क्लास में. 15 ईयर्स ago हम कैसे थे, क्या करते थे, कैसे टाइम पता करते थे वो बातें करेंगे. फीडबैक सेशन है. चैंट एक्टिविटी है, कैसे चैंट एक्टिविटी है उसका अगला लेसन का बात करेंगे. द वीक में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और ये सारी एक्टिविटीज होने वाली है लाइव क्लास में. ऑडियो वीडियो ऑन प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी, रैपिड फायर ऑन बुक्स, एक्सरसाइज करेंगे और फैंटास्टिक तरीके से सीखेंगे चीजों को. जूम लिंक पाने के लिए अभी व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेजिए 888-8255 पे. तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं जल्दी से ये लेसन ऑफ फैंटास्टिक इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं. सो लेट्स गो फॉर लर्निंग ऑफ टुडेज लेसन इंग्लिश इन इंग्लिश. हमने क्या किया है पिछले लेसन में, हमने बहुत सी फैंटास्टिक सी चीजें करी हैं, बहुत सी फैंटास्टिक चीजें करी हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन असेसिंग था. तो आप फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का जवाब आज आपको देना है, इस क्वेश्चन का जवाब आज देना है आपको अपने जूम के क्लास में, लाइव क्लास में या ऑफलाइन क्लास में, इसी को सवाल का जवाब देना है. प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट डे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसिंग. जो प्री इवैल्यूएशन दिया था लास्ट क्लास में उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा रहा, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, मज़ा आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या सीखा आपने, क्या आपको लगता है कि हाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, क्यों ऐसा लगता है, और असेसिंग का कैसे आपको मतलब क्या क्या पॉइंट्स, नई पॉइंट्स आपके लर्निंग में ऐड हुई इस प्री इवैल्यूएशन की वजह से, प्लीज़ शेयर करें. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू नोट डाउन दिस स्टेटमेंट, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट डे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन असेसिंग, प्लीज़ नोट डाउन दिस इन योर नोट्स. तो कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना, नहीं बैठेगा तो लर्निंग अधूरा रह जाएगा, लर्निंग अधूरा ना रहे इसके लिए कॉपी कलम लेके जल्दी से बैठिए और नोट डाउन करते रहिए जो हम बोर्ड पर लिखते हैं, है कि नहीं, ध्यान से. So people, here we are going to talk about question of the day. What was our last question of the day? For last many days it is pending, so let's talk about our question of the day ki bare mein baat kar lete hain. So our last question of the day was, where do you do or can you find best mehndi design? Do आप इस्तेमाल कर लें या फिर can, कोई एक को इस्तेमाल करना है, दोनों को इस्तेमाल नहीं करना है. तो पहला सवाल बनता है, where do you find best mehndi design, आप कहाँ पाते हो best mehndi design, या फिर where can you find, कहाँ आप पा सकते हो best mehndi design. तो आज मैं mehndi design की search और finding के जरिए आपको बताऊंगा कि Google पे किसी भी चीज़ को find out करने का कुछ तरीका है, कुछ basic तरीका है जो आज मैं बताऊंगा. वैसे तो intermediate level में बहुत ही एडवांस तरीके से सिखाऊंगा कि गूगल सर्च का फैंटास्टिक इस्तेमाल कैसे करते हैं ताकि आप बेस्ट रिजल्ट पा सके, क्योंकि आपको पता है गूगल इज लाइक अ समुंदर,
इज लाइक ओसन, और सागर में गागर ढूंढने वाली बात होती है अगर कुछ आप ढूंढना चाहो इंटरनेट पे। तो इसीलिए एक लेसन है इंटरमीडिएट लेवल में जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे इन फ्यूचर जब आप कुछ सर्च करना चाहेंगे। तो चलिए आज आपको बताता हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं, और मैंने सोचा पहले लैपटॉप से बताऊं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मोबाइल फ़ोन से बताना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन से ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग मोबाइल लेंगे और मोबाइल पे लिखेंगे मेहंदी डिज़ाइन, और इसमें खुद ही ऑप्शन देने लगता है मेहंदी डिज़ाइन सिंपल न्यू हैंड मेहंदी, बहुत सारे ऑप्शन गूगल वाले अपने आप खुद ही सर्च में देने लगते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मेहंदी डिज़ाइन लिखना है और सर्च वाला ऑप्शन जो है आपका उसको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे बहुत सारी इमेजेस आ जाती हैं, बहुत ही सारे लोग इन इमेज में चले जाते हैं और इमेज में से कोई एक डिज़ाइन चुनकर इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें बहुत से इमेजेस ऐसे होते हैं जो कॉपीराइट की वजह से पूरी तरीके से खुलते नहीं हैं, खुलते भी हैं तो ब्लर होते हैं जिससे कि आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं बन पाता है। ठीक है, तो आप क्या करें, इससे नीचे जाएं, नीचे जाके एक ये प्रिंटरेस्ट PINTERST वाला वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे इमेजेस और फोटोज़ काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। तो इसमें आप जाया करें, इसको क्लिक करें, इन लिंक्स को, और इन वेबसाइट्स पे जा कर के आप मेहंदी डिज़ाइन, अच्छी अच्छी मेहंदी डिज़ाइन यहाँ पा सकते हैं। इन वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आप कितना भी जूम कर लें ये फ़ोटोज़ जो हैं फटेंगे नहीं। ठीक है, और गूगल सर्च में सिंपली अगर आप कोई फ़ोटो निकालते हो सिंपल वे में तो वो फ़ोटो जो है थोड़ा सा जूम करने पर ये सब फ़ोटो फट जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दो तीन और वेबसाइट हैं जो मैंने फाइंड आउट किया था, बहुत रिसर्च किया तब बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वन टाइम सर्च करके बता दे रहा हूँ। एक ही weddingwire.in है, वायर कंपनी वायर वेबसाइट वालों का है, वायर वाले काफ़ी रिसर्च करके चीज़ों को डालते हैं, तो एक इनका weddingwire करके वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर भी डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, और इनके भी फ़ोटोज़ की अच्छी बात ये है कि ये फ़ोटोज़ फटते नहीं हैं, और ये कुछ छोटी छोटी वीडियोस भी इन्होंने डाले हैं जो वीडियोस की मदद से आप लगाना पूरा प्रोसेस सीख सकते हैं। तीसरी वेबसाइट क्या मैं बताऊंगा जो है shaadiwish.com। तो ये तीन वेबसाइट मैंने बताया है, अगर आपको कोई और वेबसाइट पता है जो सिंपल और आसान ऑफ ऐसी पिक्चर क्वालिटी दे सकते हैं जो फटे नहीं, तो कमेंट सेक्शन में उस वेबसाइट का नाम ज़रूर लिखें ताकि आगे लोगों को मैं मैसेज पहुँचा सकूँ। गूगल में सर्च करने का एक और तरीका है, अगर आपको जब सर्च कर लोगे कुछ आप, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, सिंपल अरेबिक, देखो पढ़ के आप, सिंपल अरेबिक ईद ब्राइडल ब्यूटीफुल स्टाइलिश हैंड पाकिस्तानी फ्रंट, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं, कैटेगरीज आ जाते हैं, और इन कैटेगरीज में से किसी को अगर आप क्लिक कर देंगे, मान लीजिए जैसे कि मैंने ईद पे क्लिक कर दिया, तो अभी जो ऑप्शन जो सर्च आएगा वो ईद से मिलता जुलता डिज़ाइन मेहंदी का यहाँ पे आएगा। और अब आप यहाँ पे देखेंगे वेबसाइट का लिंक, कभी भी किसी इमेज को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा विजिट, ये विजिट वाले पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे जा करके इस इमेज को खोलेंगे, तो वेबसाइट पे खोलने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे वेबसाइट में जब खुल जाएगा तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये इमेज कितना भी जूम कर लें फटेगा नहीं, और जूम करके मेहंदी लगाने से आसानी बहुत ज़्यादा होती है, और ये गूगल वाला जो इमेज होता है ये थोड़ा फटने लगता है। आई होप ये जो फाइंडिंग्स हैं आपके काम आएंगी और आपको मज़ा आया होगा जान के ये फाइंडिंग्स के बारे में। तो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे थोड़ा सा अलग है, अब बहुत ही पसंदीदा चरित्र मज़ेदार है। सो हियर हमारे मुस्लिम भाई बहन एक फेस्टिवल मनाते हैं इन इस्लाम, इस्लाम में सिर्फ दो ही फेस्टिवल मनाने की इजाज़त है और खुशी मनाने की इजाज़त है, खुशी वाला दो ही पर्व दिया गया है इस्लाम में, एक है ईद दूसरा है बकरीद। तो चलिए आज बात कर लेते हैं एक पर्व की, व्हाई डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, मुस्लिम भाई लोग, भाइयों और बहनों, भाई और बहन लोग जो हैं मुस्लिम भाई और बहन हमारे, वो ईद क्यों मनाते हैं, व्हाई डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, ईद क्यों मनाते हैं, व्हाट इज़ द मॉरल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। सो प्लीज़ राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन और एंड डोंट फॉरगेट टू आंसर इन द लाइव क्लास, ओके, आई होप यू विल बी रेडी एंड प्लीज नोट डाउन। सो हियर आई एम बैक विद अ फैंटास्टिक स्टोरी हियर, हेलो एवरीवन। सो सपोज थिंक
सोचिए थोड़ी देर के लिए, ख्वाबों की दुनिया में डूब जाइए और सोचिए कि ऐसा कुछ एक मिरेकल होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके अकाउंट में 86,400 अमाउंट आता है। हर रोज आपके अकाउंट में 86,400 रुपीज़ आपके अकाउंट में आ रहा है और आप उसको कैसे खर्च करेंगे, सोचिए। 10 सेकंड के लिए वीडियो को रोक दीजिए और सोचिए, रोक दीजिए और फिर सोचिए कि जो 86,400 अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है रोज, उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहला सवाल, हाउ विल यू स्पेंड इट, कैसे इस्तेमाल करेंगे, हाउ, कैसे। वुड यू लेट इट गो, वेस्ट और डिलीट। और एक कंडीशन है, ये जो अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है डेली, ये आपको रात 12 बजे से पहले खर्च कर लेना है, ठीक है। अगर आपने खर्च नहीं किया 24 घंटे के अंदर में, तो वो पैसा डिलीट कर दिया जाएगा, इरेज कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। या तो आप खर्च कर लो, नहीं तो वो खुद से गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले दिन नया 86,400 आएगा, फिर अगले दिन 86,400 आपको मिलेगा, और ऐसा एक हफ्ता, 10 दिन और हमेशा चलेगा। ऐसा कुछ हो जाए आपकी ज़िंदगी में, सपोज दैट आपको ऐसा आशीर्वाद वरदान मिल जाए, आपको ऐसा एक मतलब ऊपर वाले की तरफ से ऐसा कर्म मिल जाए, आपकी ऐसी दुआ कबूल हो जाए, कोई आपको ऐसे करिश्मा हो जाए और आपके अकाउंट में डेली 86,400 रुपीज़ आने वाले लगे, और कंडीशन सेफ, एक बेटा आज खर्च कर लो नहीं तो गायब, तो आप क्या करोगे, कैसे खर्च करोगे, सोचिए सोचिए। लड़कियाँ तो सोचेंगे अरे गोल्ड के बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगी, लड़के सोचेंगे स्मार्टफोन, आईफोन लूँगा, लैपटॉप लूँगा, गैजेट्स लूँगा, बाइक लूँगा, बहुत सारे ख्वाब होते हैं लोगों के। तो सोचिए आप क्या करेंगे, आप कैसे खर्च करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये दूसरा वाला, वुड यू लेट इट गो, वेस्ट और डिलीट, व्हाई, क्या इसका कोई हिस्सा या इस अमाउंट को आप बर्बाद होने देंगे इस अमाउंट को बर्बाद। अगर आप, हम तो एक रुपया नहीं बर्बाद होने देते, मैं तो अपनी बात करूँ तो उसको भी कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि यूटिलाइज हो जाए। और ये तो 86,400 है, इतना बड़ा अमाउंट है, तो ये क्या आप चाहेंगे कि वेस्ट हो जाए, या आप इसको समय से पहले इस्तेमाल कर लेंगे, बताइए क्या है आपकी राय। 10 सेकंड्स अभी कभी इन कमेंट सेक्शन, दो सवालों के जवाब, जो आपके ऊपर एक मिरेकल हुआ है, जादू हुआ, जिसकी वजह से आपको डेली 86,400 रुपये मिल रहे हैं आपके अकाउंट में, पर एक शर्त के साथ कि अगर आपने खर्च किया नहीं तो हर रात को 12 बजे वो पैसा ख़त्म हो जाएगा खुद ब खुद, अगर आपने खर्च नहीं किया तो क्या आप कैसे खर्च करेंगे, और क्या आप उसका कोई अमाउंट, उसका कोई हिस्सा या पूरा का पूरा अमाउंट को बर्बाद होने देंगे, सोचिए और जवाब दीजिए। 10 सेकंड्स, 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं कि ये 86,400 अमाउंट सच में मिलता है क्या। यस, हर रोज ऊपर वाला आपको 86,400 अमाउंट आपके खाते में डालता है, बिकॉज जो भी सक्सेसफुल इंसान उनसे बात कीजिएगा तो वो बोलेंगे टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, टाइम इज मनी। आप देखिए, आप इंस्टाग्राम देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, और मॉल्स देखते हैं, बहुत सारे आप वेबसाइट पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, और अपना क्या करते हैं, आप टाइम देते हैं, अब बदले में वो आपका इंटरटेनमेंट देते हैं, है कि नहीं। हमेशा पैसे दे के ही चीज़ों को नहीं खरीदा जाता, तो आज के दौर में जो सोशल मीडिया आपसे क्या ले रहा है, पैसे नहीं ले रहा है, बोल रहा है सब कुछ फ्री है, भैया फ्री नहीं है, दे आर टेकिंग योर टाइम इन प्लेस ऑफ गिविंग एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट देने के लिए आपका टाइम ले रहे हैं, और उस टाइम में आपको ऐड दिखा दे रहे हैं बीच बीच में, और उससे पैसा कमा ले रहे हैं, देखा, आपका टाइम या पैसा कोई और कमा रहा है ना, कमाल की बात। तो महान लोगों ने कहा टाइम इज मनी, और ये टाइम ही है 86,400। अभी आया कैसे, अब देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स एक, अब 24 घंटे के बाद बात कर लेते हैं, इसको उल्टा समझते हैं, चलिए डिटेल में समझते हैं, और
मिली सेकेंड्स आप जानते होंगे 100 मिली सेकेंड्स होता है, मिली सेकेंड को भी फिर छोड़ देते हैं, 60 सेकेंड्स का 1 मिनट बनता है, और इसी 1 मिनट को 60 से गुना कर दें, 60 मिनट्स हमारा 1 आवर होता है, और 1 आवर को अगर 24 से गुना कर दें ये हमारा 1 दिन होता है, और 1 दिन में कितना सेकंड होता है बच्चों, हमारे 1 दिन में होता है 60 से 60 into 60 into 24, इन तीनों को गुना करिएगा 60 into 60 into 24, तो 86,400 आता है। सो टाइम, अब आप सोचेंगे टाइम ही की बात है, ये तो बहुत है अपने बात बर्बाद करने को, ऐसा नहीं है। सोचिए हर दिन, सोचिए सुबह उठने के बाद कि आज आप अपनी ज़िंदगी में क्या सीखेंगे, क्या हासिल करेंगे, आज का दिन आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज के दिन अपने लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ करेंगे, और रात में सोने से पहले ये सोचिए क्या आज के दिन आपने कुछ अच्छा किया। डिड यू डू एनीथिंग गुड टुडे, डिड यू लर्न एनीथिंग टुडे, क्या आज आपने कुछ सीखा, डिड यू अर्न एनीथिंग टुडे, क्या आज आपने कुछ कमाया, कुछ नहीं किया तो कम से कम आज कुछ सीखा ही सही, डिड यू लर्न एनीथिंग टुडे, ये क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए आपके दिमाग में कि आज का दिन बस मैंने खा पी के जानवरों की तरह बर्बाद किया है, या मैंने ऐसा कुछ किया है कि एक गाय बकरी जो होता है जानवर, उससे मुझे अलग करके इंसान कहा जा सके, ऐसा मैंने कोई काम किया है। जानवरों का क्या काम होता है, खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, बहुत होता है पॉटी करने चले जाना, है कि नहीं। तो क्या आपने सोने से पहले कभी सोचा इस बात को, तो प्लीज़ सोचिए इस बात को। और एक बात बताइए, जब मैंने बोला कि आपका अमाउंट है आप उसको बर्बाद होने देंगे, तो सबके मन में ये बात ज़रूर आई होगी, ना ना पैसा तो बर्बाद ना होने देंगे, जब पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे, उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो टाइम तो पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। पैसा तो एक मिनट के लिए चला गया तो वापस आ जाएगा, कुमार आप दोबारा कमा सकते हो, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो क्या वापस आएगा। आपने अपनी ज़िंदगी का 24वां साल जी लिया, अपनी ज़िंदगी का 20वां साल जी लिया, अपनी ज़िंदगी का 15वां साल जी लिया, क्या ये 15वां साल वापस आएगा। ठीक है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, बर्बाद कर दिए या इस्तेमाल कर लिए, वो वापस से 2 लाख रुपए आप अगर मेहनत करोगे तो वापस से कमा लोगे, लेकिन आप कितना भी नाक लगा लो, मेहनत कर लो, उछल कूद कर लो, क्या अपने ज़िंदगी का 24 साल या 15वां साल जो आपने जिया था उसको वापस से जी सकते हो, नहीं जी सकते। सो टाइम इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, टाइम इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, और जिस इंसान ने भी ये समझ लिया वो आगे कामयाब हुआ ही है। तो आप जब ये सोचते हो कि ना भैया टाइम पैसा को तो बर्बाद नहीं होने देंगे, डिलीट नहीं होने देंगे, जिस दिन ये सोच लिया कि आज जो एक हमारा दिन है इसका एक रूटीन बनाएंगे, बचपन में मैंने बहुत रूटीन बनाया और हर दिन रूटीन बनाता था और हर दिन रूटीन फेल होता था, हर दिन रूटीन बनाता था, एक नया रूटीन बनता था, रूटीन फेल होता था, रूटीन बनाता था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि कम से कम मैं रूटीन तो बनाता था। माना कि उसमें मैं 10 चीज़ें करने के लिए लिखता था, कम से कम 4 चीज़ें तो पूरी करता था, कम से कम उन लोगों से तो बेहतर था जो लोग कुछ नहीं करते हैं, सो के उठें और कब उठेंगे वो डिसाइड होगा उनके कमर तोड़ने पे कि कब बदन में दर्द होगा तो वो उठेंगे, जरूरत पड़ने पे उठेंगे, गार्जियंस के लात पड़ने पे चिल्लाने पे उठेंगे, है कि नहीं, या दोस्त लोग आके गाली देंगे तब उठेंगे। तो सोचने की बात है कि आप कब उठते हैं, जिस दिन आपने अपने टाइम को अहमियत देने शुरू की, यकीन मानिए उस दिन ज़िंदगी आपको आपकी ज़रूरत की, आप जिस जिन चीज़ों को अहमियत देते हैं उससे बेहतर चीज़ें देने लगेगी, यकीन मानिए। सो प्लीज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर नोट्स एंड कम अप विद आंसर इन द लाइव क्लास। सो पीपल, नाउ आई एम हियर बैक विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, विद अ न्यू लर्निंग ऑफ दिस लेसन, दैट इज टाइम टेलिंग डिवाइस। चलिए टाइम टेलिंग डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज टाइम टेलिंग डिवाइस? टाइम
टेलिंग डिवाइस। टाइम मतलब समय, टेलिंग मतलब बताने वाला, डिवाइस मतलब यंत्र। ऐसा कोई डिवाइस, ऐसी चीजें जो हमें टाइम बताएं, उसको टाइम टेलिंग डिवाइस कहते हैं। ये भी एक टाइम टेलिंग डिवाइस है। बहुत से लोग देख के सोचेंगे शादी वाला है, ठीक है उसके हम बाद में बात करेंगे। तो टाइम टेलिंग डिवाइस जो है वो बात करेंगे इसके बारे में, कैसे बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, कैन यू टेल मी अबाउट सम डिवाइसेज इन पास्ट। अतीत में आज से 100 साल पहले लोग कैसे पता करते थे टाइम, बताइए। प्रेजेंट, आज के टाइम पर लोग कैसे पता करते हैं टाइम। फ्यूचर, भविष्य में लोग टाइम कैसे पता करेंगे, कुछ गेस। तो चलिए बात करते हैं पास्ट की, पास्ट में लोग टाइम कैसे पता करते थे। 10 सेकेंड्स आपके लिए, मन में सोचिए हाउ पीपल गेट टाइम इन पास्ट। 100 साल पहले चलते हैं, 1000 साल पहले जाते हैं, तब कैसे देखते थे, हाउ, कोई गेस। टिक टिक, 5 4 3 2 1। सो हियर पीपल, लोग टाइम कैसे पता करते थे, लोग टाइम पता करते थे जैसे कोई इंसान यहाँ खड़ा है, ये बहुत पहले की बात बताता हूँ। तो सूरज, सन, जो हमारे सन का जो डायरेक्शन होता है, सूरज अगर माथे पे होता था तो उसको एक पहर मानते थे और दूसरा पहर, तब सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट होता था, एक पहर और दूसरा पहर। उस समय लोगों के लिए रात में टाइम का पता करना ज़्यादा आसान होता था, क्योंकि रात में तारों का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक कुछ लोगों को क्लियर था, चंद्रमा का चलना क्लियर था कि मून मूवमेंट ऑफ मून के हिसाब से टाइम का कुछ हिसाब किताब बिठाते थे। दूसरी चीज़, सनडायल का भी इस्तेमाल किया इसके बाद आगे लोगों ने कुछ, मैं जब जयपुर गया था वहाँ पे बहुत सारा क्लॉक्स बना हुआ है, एक बहुत अच्छा मज़ेदार क्लॉक था मैंने देखा कि एक जो है एक रॉड, छोटी सी रॉड यहाँ पर लगी हुई थी और ये पूरा गोला था और इस पर सूरज की रोशनी की वजह से एक तीखा लाइन बनता था, छाया प्रतिबिंब बनता था, और वो लाइन इस तरीके से बनता था, आई डोंट नो हाउ पीपल आर सो इंटेलिजेंट, मतलब कि इतने ज्ञानी लोग पहले भी थे कि उस यंत्र नहीं कहूँगा उसको मैं, उस मतलब पत्थर को इस तरीके से काट के उस पर चीज़ें बनाई गई थी कि धूप की रोशनी, सूरज की रोशनी जब पड़ता था तो उससे ऐसी छाया बनती है लंबी सी, और वो छाया इस तरीके से बनती थी कि सही टाइम बताता था। जो गाइड भाषा ने बोला कि सर देखिए इसमें ये टाइम हो रहा है, आप घड़ी में देखिए अपने, यही टाइम हो रहा होगा। हमने कहा यस फैंटास्टिक। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अच्छा ये बताइए अभी तो सूरज इस हिसाब से घूम रहा है तो पता चल गया, जब सूरज इसके पीछे चला जाएगा तब कैसे होगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए इसको दोनों ही डायरेक्शन में बनाया गया है, एक इस तरफ बना हुआ है ड्रम की तरह का, ड्रम के आकार का बना हुआ था, इस तरह का कुछ बना हुआ था ड्रम के आकार का, अगर आप जयपुर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ रहता है, ठीक है, एक रॉड छोटी सी, और इसके ठीक अपोजिट एक इधर है और एक अपोजिट साइड में बना हुआ है। तो इस तरीके से पूरे दिन को ये चीज़ कवर कर लेती है और टाइम पूरे दिन का बता पाती है। दैट रियली अमेजिंग एंड फैंटास्टिक मीन्स कॉन्सेप्ट बाय द पीपल इन द पास्ट, दैट्स आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। जब मैं वहाँ गया घूमने तो आई रियली अप्रिशिएट, मतलब जयपुर विजिट का सबसे बेस्ट लर्निंग ये क्लॉक वाली जो बिल्डिंग थे, मॉन्यूमेंट्स थी, दैट वॉज ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि पहले लोग कैसे पता करते, पहले तो सूरज चांद तारों से पता करने लगे थे, उसके बाद लोग थोड़े ज़्यादा समझदार हुए तो लोगों ने क्या किया, कुछ बनाया, लोगों ने रेत भर के इस तरह की चीज़ बनाई, आपने ज़रूर मूवीज़ में देखा होगा, यहाँ पे एक बहुत बारीक सी छेद होती है, ठीक है, और यहाँ पे सैंड भरा होता है, सैंड धीरे 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 नीचे की तरफ गिरता है और सैंड का कुछ अमाउंट इस तरीके से फिक्स होता है कि जब तक पूरा नीचे आ जाएगा तो इतना टाइम हो जाएगा, और जब ये पूरा नीचे आएगा तो इतना टाइम हो जाएगा। और ज़्यादातर जो सैंड इस तरीके की वॉच क्लॉक बनाई जाती थी उसका कॉन्सेप्ट ये होता था कि एक पहर, मतलब कि पूरे दिन को 4 पहर में बांटा जाता था और एक पहर हो जाएगा अगर पूरा एक नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा हिसाब किताब। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि देखिए किसी भी चीज़ का इन्वेंशन जब भी हुआ है तो वो ज़रूरत की वजह से हुआ है। अब नीड इज़ द मदर ऑफ एनी इन्वेंशन, नीड इज़ द मदर ऑफ एनी इन्वेंशन, किसी भी आविष्कार की जननी ज़रूरत होती है, आपकी ज़रूरत होनी चाहिए।
तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लीजिए जिसके घर में रखा हुआ है, उन्होंने ठीक जैसे ही पूरा बालू नीचे आया, फट से अगर उसको उल्टा नहीं किया तो टाइम का कॉन्सेप्ट वहाँ पर ख़राब हो जाता था। तो अब इन्होंने क्या किया, चलो भैया इससे भी काम नहीं चलेगा, कुछ और ईजाद करो। तो वो सनडाइल आया, सनडाइल का इस्तेमाल किया जाने लगा कि सूरज की रोशनी पड़ती थी, एक छाया बनती थी और दिख जाता था। तो अब एक बात बताओ, हर इंसान के लिए उतना बड़ा मतलब कि चीज़ बनवाना अपने पास उस टाइम में, और उस समय कि अभी भी लोग नहीं बनवाएंगे, तो ये चीज़ बनाना इतना आसान नहीं था। उसमें एक्यूरेसी की कमी थी, जो जानता है वो तो एक बंदा बना देगा लेकिन बाकी लोग कोई नहीं बना पाएंगे, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया। तो इसके बाद पास्ट में क्या आया, हमारी पास्ट की ही बातें कर रहे हैं, इसके बाद जो चीज़ आई वो चीज़ आई कि एक बड़ा सा घड़ा होता था और उसमें चाबी नहीं दी जाती थी, ऐसे ऐसे करके जैसे जनरेटर स्टार्ट करते हैं ना और शटर्स खोलते हैं, उतना बड़ा हैंडल होता था, उसकी मदद से उस क्लॉक को चलाया जाता था। अब बहुत बड़ा, कम से कम समझिए कि आधे घर में रखा जाए, इतना बड़ा क्लॉक आया। इसको धीरे धीरे छोटा किया गया और करते करते इस साइज का ले आया गया। लेकिन अब भी प्रॉब्लम ये थी, इसको कहते हैं मैकेनिकल क्लॉक और वॉच कहते थे उसको। तो मैकेनिकल की सबसे बड़ी खराबी थी कि मान लीजिए आपने चाबी डालना भूल गया, उसमें चाबी डालना होता था। बचपन में खिलौना देखे हैं, चाबी देते थे और फिर छोड़ते थे, तो गाड़ी थोड़ा दूर भागता था फिर रुक जाता था, फिर चाबी देते थे फिर भागता था रुक जाता, तो वही हिसाब करता था, चाबी दे दिया। अब वो जितना देर तक ऐंठा गया है, मुड़ा गया है, उतना देर तक तो वो खुलता रहेगा, घड़ी चलता रहेगा। लेकिन जब वो पूरा खुल जाएगा तो घड़ी रुक जाएगा। अब मान लीजिए सही टाइम पर आप घड़ी में चाबी नहीं दिए तो आपका तो घड़ी का टाइम ही ख़राब हो गया, अब मिलाते रहिए चार आदमी से। तो मैकेनिकल वॉच की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो गया है। इसके बाद लोगों ने ईजाद किया डिजिटल क्लॉक का, डिजिटल क्लॉक में भी बैटरी लगने लगा। अब लोग और एडवांस हो गए तो सुई कांटा ही हटा दिए, उसमें ना डिजिटली स्क्रीन लगा दिए, और उससे भी आप जामा मस्जिद के पास जाइएगा तो 100 रुपये 50 रुपये बहुत घड़ी मिलता है, जिसका लाइफ चाइना के बराबर होता है, मतलब चाइनीज़ घड़ी सब रहता है जी, चला ना तो पहले के भरोसे, तो बहुत खूबसूरत देखने में बहुत लगता है। हम तो बहुत पहने बचपन में, जब जाते थे तब दो खरीद के लाते थे, हर बार वो खराब हो जाता था। तो ये चीज़ें पास्ट में चली, पास्ट में इस तरीके की घड़ी आने लगी। आज के टाइम पे प्रेजेंट में अब घड़ियों में डायमंड्स का इस्तेमाल होने लगा है, गोल्ड का इस्तेमाल होने लगा है, प्लैटिनम का इस्तेमाल होने लगा है, और घड़ियों में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होने लगा है। अब ठीक है, घड़ी अब सिर्फ टाइम नहीं बताती है, अब घड़ी डेट भी बताता है, ईयर भी बताता है, और अब जो है स्मार्ट वॉचेज आ गए हैं जिसमें आपकी धड़कन कितनी बार धड़क रही है वो बताता है, आप कितना कदम चल के आए हैं वो भी बताता है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए। और जब मोबाइल फ़ोन आ गया तो मार्केट जो है वॉच का बुरी तरीके से पट गया, तो इसको थोड़ा सा फैशनेबल बनाया गया कि लोग फैशन के तौर पे पहने, लेकिन अभी भी बहुत लोग नहीं पहनते हैं जब से मोबाइल फ़ोन आया। लेकिन घड़ी पहननी चाहिए, इट शोज़ स्टैंडर्ड ऑफ अ पर्सन, और घड़ियों की कीमत आज की डेट में लाखों में क्या करोड़ों में भी है, मुझे नहीं पता कि उनकी घड़ी में कौन सा नया समय दिखाता है, हमारी घड़ी में जितना दिखाता है हमको भी लगता है उतने भी उतना ही दिखाता होगा, बुढ़वा के सामने एक करोड़ का घड़ी पहनता है, अगर 50 रुपये का घड़ी देख पहनिएगा और 1 करोड़ का घड़ी पहनिएगा, एक बात बताइए दोनों में अलग अलग टाइम थोड़ी ना बताएगा, दोनों में तो 12 बजे में 12 बजाएगा, अब पता नहीं लोग काय पहनता है तो ऊपरे वाला जाने, लेकिन हम भी 50 रुपये नहीं पहनते तो कंपनी का टाइटन वाइटन का पहन लेते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि प्रेजेंट में जो घड़ियाँ चल रही हैं, स्मार्ट वॉच का टाइम आ गया है और डिजिटल वॉच का टाइम आ गया है, और एक और घड़ी नया घड़ी आया है कि आपके दिल की धड़कन से चलेगा, आप पहन के रखेंगे ना तो चलेगा, उतार के रख देंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही फैशनेबल चीज़ें आ गई हैं आजकल। फ्यूचर में क्या हो सकता है, सोचिए फ्यूचर में क्या हो सकता है, हमको तो लगता है, हमें सोचने से पहले आप बताइए, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, हाँ फ्यूचर में कैसी घड़ी आ सकती है सोचिए, मुझे क्या लगता है, व्हाट आई थिंक इन फ्यूचर विल गेट अ वॉच लाइक रिंग की टाइप का कोई वॉच होगा, जो रिंग की तरह हम पहन लेंगे, उस पर टिच करेंगे पुछ से ऐसे, जैसे साइंस फिक्शन मूवीज में होता है, कुछ से मारा और टिच से ऐसे आ गया और हाँ टाइम ये हो रहा है, या फिर कुछ इनविजिबल सा कुछ वॉच आएगा जो दिखेगा नहीं लेकिन होगा, ऐसा कोई वॉच आ जाएगा मे बी। तो मेरा ये मानना है
हाँ, मैं अपने घड़ी की बात कर रहा था। बचपन में मेरे अंकल ने ऐसा ही कुछ एक घड़ी भेजा था, तो बच्चे लोग बड़ा चिढ़ाते रहे, शादी हो गया शादी हो गया शादी हो गया। अब इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत बुरा है, अगर इस कलर का कोई घड़ी पहन लिया तो उसका शादी ये हो जाता है। तो हम उस घड़ी को पहने नहीं। अब सोचिए बचपन में नहीं पहने, चिढ़ गए, बहुत गुस्सा आ गए। अब दुर्भाग्य देखिए शादी के बाद भी उसी कलर का मिला। तो अब हाँ देखिए मैम बहुत गुस्सा गया, शादी में नहीं मिला छेका मिला। अब कहा बोल रहे, देखिए मतलब कि करीब नहीं है, समझ नहीं रही कि लाइव है बंदा पढ़ा रहा है, लेकिन इनकी फीलिंग जो है बस फीलिंग ऐसी है ना कि लड़कियों को आप उनकी शादी से रिलेटेड, शादी के किसी भी चीज़ से रिलेटेड चू भी करके दिखाइए, अगर नहीं चढ़ के ऊपर टांडव करेंगे काली माता की तरह तो बेकार है। तो छोड़िए राजनीति से बात नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला कहीं उठ के ना आ जाए कि हाँ ये बात काहे बोले थे। तो चलिए बात कर लेते हैं एक चीज़, वॉच और क्लॉक में क्या फ़र्क है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, वॉच की जगह क्लॉक, क्लॉक की जगह वॉच बोलते हैं। 5 सेकंड आपके लिए वॉच और क्लॉक में क्या फ़र्क होता है बताइए। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए वॉच की बात कर लेते हैं। जो घड़ी हाथ में पहनते हैं, हाथ में पहनने वाली घड़ी को वॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉच। बोलिए मेरे साथ वॉच। तो हाथ में पहनने वाले को वॉच कहते हैं, बाकी घड़ियों को क्लॉक कहते हैं। बाकी घड़ियों में कौन सा हो गया, घंटा घर वाला घड़ी जो होता है वो क्लॉक होता है, घर में टांग के रखे हैं वो भी क्लॉक है, टेबल पर रखे हैं वो भी क्लॉक है, लैपटॉप में जो आपके है वो भी क्लॉक है, मोबाइल में जो है, बस एक तो जो हाथ में पहन लिए वो बचवा हो जाता है वॉच। तो चलिए चलते हैं अगले राउंड की तरफ। हे पीपल, अब जानिए कि टाइम में यूनिट क्या होता है। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम? 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत से लोग कहेंगे सर सेकंड होता है। डिड यू स्पीक ना कि सेकंड होता है, बोला ना सेकंड होता है। चलिए मान लेते हैं कि सेकंड जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है, लेकिन सेकंड से भी पहले एगो आता है, उसको कहते हैं मिली सेकंड। कभी मोबाइल में आप अपने वो क्या कहते हैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कीजिएगा, उसमें देखिएगा 1 से 100 तक गिनती चलती है, 1 से 100 तक, मतलब कि 100 मिली सेकेंड मिल के बनता है 1 सेकेंड। ठीक है, अब हमारा सेकेंड के बाद आता है मिनट। अब हमारा 60 सेकेंड्स बराबर होता है 1 मिनट का। अब मिनट के बाद आता है आवर। आवर का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट, 60 मिनट हमारा होता है 1 घंटा। अब जो दिन की बात कर लेते हैं, तो इसको जब 24 घंटा पूरता है तो 1 दिन होता है। अब दिन से आगे का कहानी मामला जो है वो अगले लेसन में सीखेंगे, द वीक में। इसीलिए द वीक जो अगला लेसन है इसके ठीक बाद है, उसमें बहुत सारी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये है यूनिट ऑफ टाइम। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। राइट पीपल, हियर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएम एंड पीएम। एएम एंड PM, AM और PM का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ AM, PM? AM, PM का आखिर कॉन्सेप्ट है क्या, लफड़ाई क्या भैया, ये आखिर AM, PM का लफड़ा आया क्यों, why, क्यों आया क्यों? सो प्लीज आंसर 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो सबसे पहले सवाल का जवाब जानते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AM एंड PM? AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, PM का होता है पोस्ट मेरिडियम। अब एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम होता क्या है, तो अब जानते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। इस 24 घंटे को दो हिस्से में बांटा गया है, एक हिस्से को दिया गया है 12 घंटा, 12 आवर्स, दूसरे को भी दिया गया है 12 आवर्स। ठीक है, एक को 12 आवर्स दिया गया, दूसरे को भी 12 आवर्स दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे दिन के दो साइकिल हो जाते हैं, फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल। ये हमारा फर्स्ट साइकिल हो जाता है और ये हमारा सेकंड साइकिल हो जाता है। अब आपने कभी रेलवे की घड़ी देखी है? रेलवे की घड़ी में सिर्फ 12 नहीं बजता है,
24 बजता है और एम पी एम फॉलो नहीं करता है, उसमें एम पी एम का कॉन्सेप्ट में नहीं होता। तो आपने देखा है कि रेलवे घड़ी में 24 घंटा होता है और वो फॉलो नहीं करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं रेलवे की घड़ी की, थोड़ी देर के लिए रेलवे का घड़ी देख लेते हैं। रेलवे घड़ी में होता है 24, 1, 2, 6, 12, 18, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9, 15, 18, 21, 22, 23। तो चलिए यही इतना ही में समझ में आ जाएगा आपको कि देखा ना किस तरीके से है। तो रेलवे की घड़ी में जब 12 बजता है इसका मतलब दिन का 12 बज रहा है, हमें पता चल जाता है कि जब 12 बज रहा है मतलब दिन का 12 बज रहा है। रेलवे की घड़ी में 24 घंटा बजता है। इससे जुड़ा एक कहानी बताता हूँ। मेरे एक कज़न शादी में आई मेरी और उन्होंने कहा कि यार मेरी कल ट्रेन है, मुझे जंक्शन छोड़ दो। मैंने बोला ओके फाइन छोड़ दूंगा। तो मैंने टिकट देखा, मैंने बोला कि चलिए इस टाइम पे तो कोई ट्रेन है नहीं, मे भी कोई नई गाड़ी चालू हुई होगी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। तो मैंने जब घड़ी मतलब वो उनकी जब वो टाइमिंग देखा टिकट में तो मैं टाइमिंग देख के बड़ा हैरान रहा कि अमजद भाई एक बात बताइए, आपका जो टाइमिंग दे रखा है 1:30 बजे का है, तो ये 1:30 बजे ये बोल रहे हैं कि आपको दिन, और मुझे बोल रहे हैं कब वो जाने के लिए, बोल रहे हैं चलो दिन में 12:30 बजे कि चलो आज जो है 1:30 बजे मेरी ट्रेन है, दिन में 1:30 बजे दिन में मेरी ट्रेन है, मुझे अभी चलो जंक्शन छोड़ दो। मैंने बोला टिकट भेजिए मैं ट्रेन देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि इस टाइम पर कोई ट्रेन नहीं है यहाँ से। उन्होंने टिकट भेजा, मैंने देखा सच में उस पर 1:30 लिखा हुआ था। मैंने बोला यार 1:30 तो लिखा हुआ है, फिर मेरे दिमाग में खटका, ओ तेरी ये तो 1:30 लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल सही है बात, लेकिन रेलवे में एम पी एम नहीं होता है, 24 घंटे का टाइम फॉलो होता है, मतलब अगर दिन वाला 1:30 है तो 1:30 तो बजाएगा नहीं उसमें, उसमें बजेगा 13, और उनका 13 बज गया। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी दिन में नहीं रात के 1:30 बजे थी और गाड़ी जा चुकी थी, बेचारे का सेकेंड एसी का पूरा पैसा बर्बाद हो गया, अभी एक आदमी का नहीं चार चार आदमी का, बहुत दुख हुआ हमको भी, जेन्युइनली बहुत दुख हुआ, आई एम वेरी सॉरी अमजद भाई, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा ना कैसे एक गलत फहमी से लोगों का टिकट बर्बाद हो जाता है, तो आप अपना टिकट बर्बाद नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो रेलवे में 24 घंटे का घड़ी फॉलो होता है, अगर 13 नहीं बज रहा है और 1:30 लिखा हुआ है मतलब कि रात का 1:30, तो अब घड़ी को कैसे बांटा गया है 2 साइकिल में। यहाँ जो एक जो 24 घंटा का जो घड़ी है हमारा, उसको बीचे बीच फाड़ दिया गया है, बीचे बीच फाड़ दिया गया है, और कहा गया इधर वाले हिस्सा को पीएम कहा गया, इधर वाले हिस्सा को पीएम कहा गया, इधर वाले हिस्सा को एएम कहा गया, ठीक है। तो बात क्या समझ में आई, रात के 12 बजे 24 मतलब रात के 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे तक, मतलब 12:01 मिली सेकेंड भी हुआ, 12:01 मिली सेकेंड भी होगा तो वो पीएम में हो जाएगा, और 12:01 मिली सेकेंड भी बाकी रहेगा तो वो एएम में रहेगा, बात समझ में। तो इस 12 घंटा का एगो साइकिल बना जो इधर बना हुआ है एंटी मैडम, इसको एएम वाला साइकिल कहा गया, इसको 12 घंटा मिला। अब बाकी 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक, मतलब रात के 12 बजने में 1 सेकंड बाकी रहे, पर जैसे ही 1 सेकंड 12:01 सेकंड का 1 मिली सेकंड भी होगा तो ये पीएम के खाते में चला जाएगा, वो पीएम हो जाएगा। आई होप ये एम पीएम का साइकिल आपको समझ में आया। इसको फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल भी कहते हैं, फर्स्ट साइकिल में एम रहता है, सेकंड साइकिल में पीएम रहता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट साइकिल में एम, सेकंड साइकिल में पीएम, मतलब एम में फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट साइकिल मतलब रात के 12 बजे के बाद 1:01 सेकंड से लेके दिन के 12 बजने तक का जो समय होगा वो एम में रहेगा, और जैसे ही 12 बजेगा दिन का 12 बजने के बाद रात के 12 बजने तक का जो समय रहेगा वो रहेगा पीएम में। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, सो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय एम एंड पीएम और
टू साइकिल कॉन्सेप्ट व्हाट डिड दे भैया लोग बहना लोग बउआ लोग प्लीज इस किताब को डाउनलोड कर लीजिएगा stamfordis.in से stanfordis.in से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बुक में 15-20% का नॉलेज इस बुक में ज़रूर है और प्रैक्टिस के लिए भी बुक होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि दिन का जो हिस्सा है चार पहर, दिन में हमारे चार पहर होता है। बूढ़ा बुजुर्ग से पूछेगा तो कहेगा हाँ अरे बुआ दिन में चार पहर हो बहर, तो दिन में चार गो पहर होता है। अभी चार गो पहर होता कौन कौन सा है, एगो सुबह होता है, एगो दोपहर होता है, तीसरा शाम होता है, चौथा रात होता है। तो अब चारों पहर को बांटेंगे कैसे, तो कहिएगा 6-6 घंटा में बांट लेते हैं, बिल्कुल नहीं, मारेंगे उठा करके पटक देंगे, अभी 6-6 घंटा में नहीं बदलाएगा। हर पहर का एक छोटा मोटा चेंजेज होता है, टाइम अपना शेड्यूल होता है। तो अब देखिए मॉर्निंग कब होता है, मॉर्निंग होता है सुबह के 4 बजे से लेके 4 बजे भोरवा से लेकर के दिन के 12 बजने तक, दिन का 12 बजे तक, सुबह के 4 बजे से दिन के 12 बजने तक मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब 12 बजे जैसे 12 बजेगा, जैसे 12 बजा, 12 बजे से 4 बजे तक का, शाम 4 बजे तक का, शाम 4 नहीं होता है, 4 बजे तक का मतलब 4 बजने से थोड़ा पहले तक हमारा आफ्टरनून रहता है, ठीक है। अब देखिए 4 बजे भोर से लेके 12 बजने से 1 सेकंड पहले तक, 1 सेकंड पहले तक मॉर्निंग है, जैसे 12 बजा आफ्टरनून स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा 4 बजने तक, जैसे 4 बजेगा और सही इवनिंग चालू होगा, इवनिंग जो है हमारा 8 बजे बजने तक चलेगा, जब तक कि 8 न बज जाए। अब जैसे 8 बजेगा नाइट चालू हो जाएगा और सुबह के भोरवा के 4 बजे तक नाइट रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को याद कर जाइए, क्योंकि बहुत से लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट बोलने में गलती करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि एक सवाल आप लोगों ने मुझसे कभी नहीं पूछा, जबकि आपको पूछना चाहिए था कि सर हेलो को प्रोफेशनल मतलब ग्रीटिंग्स में क्यों रखा गया। अब मान लीजिए कि मैं आपके पास आपको मिला रात के 9 बजे, तो 8 के बाद तक गुड नाइट चालू हो जाता है, आपकी क्लास है रात में, तो आप क्या कहिएगा, गुड नाइट कहिएगा, बिल्कुल नहीं, आप गुड नाइट नहीं बोलिएगा रात को। क्यों नहीं बोलिएगा, अब समझिए इस चीज़ को। अभी आपको मैंने पढ़ाया रात के 8 बजते ही और भोरवा के 4 AM भोर के 4 बजे तक आपका नाइट रहता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीटिंग्स आपको गुड नाइट कहना चाहिए कि गुड नाइट सर, लेकिन आप 9 बजे क्लास ज्वाइन करते हैं, कभी 9 बजे क्लास में आते हैं आप, कभी तो 8 बजे आते हैं, तो आप गुड इवनिंग कहते हैं ना, है कि नहीं, आप गुड नाइट नहीं कहते हैं, लेकिन जाते समय हमेशा गुड नाइट कह के जाते हैं। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया जो गुड नाइट है हमारा, ये गुड बाय वाला ग्रीटिंग है, टाटा बाय बाय वाला है, ठीक है, हाय वाला नहीं है, आई हाय मतलब हाय हाय वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है, मिलते ही नहीं कहेंगे गुड नाइट, मतलब कि ऐसा लगे अरे बतियाना नहीं चाहता, भागना चाहता है, अरे तो ऐसा ही सर सोचेंगे, आप तो सीखे सर तो बताए थे नाइट होता है, हम तो गुड नाइट कहते, क्या गलत बोल दिए। तो बात कुछ यूँ है कि गुड नाइट जो होता है बाय बाय टाटा बाय बाय वाला ग्रीटिंग होता है। कभी भी किसी इंसान से मिलेंगे, किसी से मिलेंगे, तो मिलते वक्त हम गुड नाइट नहीं बोल सकते, इसकी जगह पर चाहे रात का 11 बज रहा हो, रात का 12 बज रहा हो, आपको गुड नाइट नहीं बोलना है मिलते समय, आपको बोलना है हेलो, ठीक है। चलो 8-9 बजे तक गुड इवनिंग बोल देते हो चल जाता है, लेकिन 10 बजे वाला बच्चा आएगा और बोलेगा गुड इवनिंग सर, तो रात के 10-11 बजे गुड इवनिंग थोड़ी ना चलता है, नहीं चलेगा, 9 बजे वाले के लिए नहीं चलेगा। तो उस समय चलिए क्लास चल रहा है तो वो चल जाता है इधर उधर, लेकिन जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ गए और उस समय आप कहेंगे कंपनी में, आप ऑफिस में घुसे, नाइट शिफ्ट चल रहा है, घुसे 9 बजे, अब बोलिएगा सर गुड नाइट, अब भग भग अभी आया अभी भागेगा का, या कहेगा सर हम तो यही से गया, गुड इवनिंग कहेगा, बुर बक शाम थोड़ी ना रात हो गया, देखता नहीं है, गुड नाइट गुड इवनिंग बोलते हैं, रात में गुड इवनिंग बोलते हैं,
तो वहाँ बुलबुक बन जाइएगा। इसीलिए हेलो को बोला गया है कि ये प्रोफेशनल टाइटल्स में भी रखा गया है इसी वजह से, क्योंकि जो हमारा आखिरी वाला जो पहर है ना नाइट, ये गुड नाइट नहीं बोलने देता है मिलते समय। तो रात में अगर आप किसी से मिलिएगा तो कह सकते हैं हेलो सर, हेलो बुआ, हेलो बेबी, हेलो बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप टाटा बाय बाय कहने वाले हैं, उसको अलविदा कहने वाले हैं, उसमें गुड नाइट ही कह के अलविदा लीजिए, ठीक है। लेकिन मिलते समय कभी भी गुड नाइट नहीं बोलिएगा, कभी भी नहीं बोलिएगा गुड नाइट, क्लियर है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। दूसरी चीज़, 4 बजे भोर में आप मिलिएगा तो क्या कहिएगा, गुड मॉर्निंग कहिएगा, 4 बजे के बाद गुड मॉर्निंग ही बोलिएगा। और एक चीज़, सिचुएशनल, आपने देखा ना कैसे सिचुएशन की वजह से हम गुड नाइट नहीं बोल रहे हैं मिलते समय, जाते समय हम गुड नाइट बोल रहे हैं, मिलते समय हेलो का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ये चीज़ देखा। तो जो हमारा जो ये पहर का टाइमिंग है, जो भी टाइमिंग अभी आपने बुक में पढ़ा, ये सिचुएशनल भी है, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। सीज़न और वेदर का इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, सीज़न के हिसाब से ये टाइमिंग बहुत इधर उधर होती है। अब ठंडा में टाइम का फ्रेम जो होता है थोड़ा आगे खसक जाएगा, थोड़ा पीछे खसक जाएगा, गर्मी में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, गर्मी में रात लंबी होती है तो गर्मी में गुड नाइट ज़्यादा टाइम तक रहता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि फिक्स रहेगा। तो एज पर सिचुएशन एंड सीज़न योर टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4 parts of time will change, but in an average में यही रहेगा जो आपने किताब में पढ़ा। I hope ये concept clear है, if you have any doubt please ask. So people, I hope you saw on the board a picture and I hope this thing is clear, no need to explain। क्या ये concept जो है clock का आपको समझाना clear करना ज़रूरत है या नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोचे। What comes in your mind when you see this picture? ओ क्लॉक, हाफ पास्ट, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर टू, What comes in your mind? आपके दिमाग में क्या आ रहा है इस पिक्चर को देख के, क्या है, क्या है कॉन्सेप्ट? अगर आपने stanfordis.in पे जा करके बुक को डाउनलोड कर लिया है तो उसमें ये पिक्चर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पिक्चर आखिर है क्या, व्हाट इज़ दिस इन रियलिटी। सो चलिए समझते हैं आखिर ये चीज़ है क्या। आज इंग्लिश स्पीकिंग का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत से लोगों को टाइम को बोलना, टाइम बोलना आता ही नहीं है कि टाइम को कैसे बोला जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओ क्लॉक से। मान लीजिए आपकी घड़ी है, आपकी घड़ी में 12 6 3 9 1, ठीक है, ये आपकी घड़ी है मान लीजिए। तो इस घड़ी में मान लीजिए बज रहा है 5, ठीक है, 5 बजने के लिए छोटा वाला कांटा 5 पे और बड़ा वाला कांटा 12 पे होना चाहिए। ये तो पता होगा ना, सेकेंड वाला कांटा पतला वाला होता है, घूमता रहता है, कभी कभी नहीं भी होता है कुछ घड़ी में। तो हमने क्या देखा कि जब भी कोई टाइम बज रहा होगा और बड़ा वाला कांटा, बड़ा वाला हैंड, बिग हैंड, मिनट्स हैंड जिसको कहते हैं, मिनट्स हैंड कहते हैं उसको, जो बड़ा वाला हैंड होता है मिनट्स हैंड कहते हैं, मिनट वाला हैंड 12 पर होगा। अगर ये मिनट वाला हैंड 12 पे है तो जितना भी बज रहा होगा उसके बाद हम कहेंगे ओ क्लॉक। जैसे 5 पे है छोटा वाला कांटा तो बोलेंगे 5 o'clock, द टाइम इज, इट इज 5 o'clock, ठीक है। अगर ये कांटा छोटा वाला 3 पे हो जाए तो बोलेंगे 3 o'clock, अगर ये छोटा वाला जो कांटा है हमारा 9 की तरफ हो जाए तो बोलेंगे 9 o'clock, क्या बोलेंगे, 9 o'clock। तो बात क्या समझ में आई यहाँ पे कि छोटा वाला कांटा जिस भी नंबर पे रहे पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बड़ा वाला कांटा मिनट्स हैंड हमारा 12 पे है, ठीक 12 पर है, ऐसे खड़ा ऊपर, ठीक है, सीधा ऊपर 12 की तरफ खड़ा है, तो हम जो भी टाइम बज रहा होगा उसको बोलेंगे 9 o'clock, 3 o'clock, उस समय ओ क्लॉक का कॉन्सेप्ट आएगा। तो बेसिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये मिनट्स वाले हाथ के लिए है। तो हम अच्छे से डिटेल से अब मिनट्स वाला हाथ को समझ लेते हैं। तो ये तो बात हो गई ओ क्लॉक वाली।
अब चलिए इस ओ क्लॉक जो छोटा वाला कांटा है इसको हम लोग 5 पे फिक्स कर देते हैं और बाकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो आप समझ लीजिए, घड़ी के आधे हिस्से को बोलने के लिए, इधर वाले पार्ट को बोलने के लिए पास्ट का इस्तेमाल करते हैं और बाकी इधर मतलब कि 12 से ले करके मतलब 1 से ले करके 6 तक 5 तक 1 से ले कर 5 तक 1 से ले कर 5 तक क्योंकि 1 2 3 4 5 6 होता है ना, तो 1 से ले कर 5 तक हमारा जो होता है उसमें पास्ट बोलते हैं और नीचे वाले को हाफ पास्ट कहते हैं। ठीक है, छोटा वाला कांटा कहीं पर भी रहे, बड़ा वाला कांटा अगर 6 पे है तो बोलेंगे 5 हाफ पास्ट 5, इट इज हाफ पास्ट 5। क्या बोलेंगे? इट इज हाफ पास्ट 5। कितना बज रहा है? 5:30, मतलब कि 5:30 बज रहा है। इधर वाले भाग के लिए पास्ट, इधर वाले भाग के लिए 2 का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट मतलब कि जब घड़ी इतना बीत गया है, ये बीत चुका है, यहाँ तक बोलेंगे 5:30 बीत चुका है। ठीक है, जैसे ही घड़ी का कांटा यहाँ से बड़का मिनट वाला कांटा इधर आएगा, चलिए इसको 9 पर रख के देख लेते हैं, 9 पे आ गया तो अब 2 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब छोटका कांटा 5 पे से आप ध्यान दीजिएगा घड़ी पे, जैसे ही घड़ी का कांटा मिनट वाला हैंड इधर से इधर की तरफ जैसे बढ़ना शुरू करेगा, हमारा जो आवर वाला हैंड जो 5 पे खर्रा था 12 के टाइम पे, वो लगभग आधा से ज़्यादा इधर हो चुका होगा, यहाँ बीच में कहीं दिखा रहा होता है। आपने कभी ध्यान दिया घड़ी में? जो छोटा वाला कांटा होता है, जैसे ही बड़ा वाला कांटा यहाँ से 6 से इधर जाएगा, ये आधा से ज़्यादा, ये 5 मान लीजिए है, तो ये छोटा वाला कांटा जो आवर वाला हैंड है ये बहुत हद तक 6 के करीब होगा, इसीलिए 2 का कॉन्सेप्ट आया। और अब हम 5 नहीं बोलेंगे, पौने, यहाँ पे क्या हो जाता है, हम बोलते हैं 5:45 बजा है, 5:45 बज रहा है। कभी भी 9 पे आपने सुना है कोई बोलता हो 5:45 हो रहा है? नहीं बोलते, बोला जाता है दिस इज नॉट करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग कि 5:45 हो रहा है। द करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग इज, हिंदी में बोलते हैं 5:45 हो रहा है। 5:45 मतलब कि 15 मिनट बाकी है 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसीलिए 2 का कॉन्सेप्ट आया है। इट इज 6:15, 6 बजने में 15 मिनट बाकी। क्वार्टर मतलब पता ही होगा, 15 होता है, हाफ मतलब 30 होता है, कोई चीज़ अगर 12 ठो है उसका 12 का आधा क्या होगा, 12 का आधा 6 होता है, क्वार्टर क्या होगा मतलब 3/4, 4/4 मतलब 3 हो जाएगा, मतलब 15 मिनट बाकी है क्वार्टर, 15 मिनट बाकी है। तो आपने देखा जब यहाँ पे है तो 2:15 का इस्तेमाल करते हैं, जब यहाँ पे 9 पे है। यही मिनट वाला हैंड, अब देखिए मिनट वाला हैंड हमारा 3 पे चला जाए, तो यही जो है हमारा 2:45 जो हो गया था, ये हो जाएगा 5:15। अब 6 की जगह हम 5 बोलेंगे क्योंकि 5 बजने के बाद 15 ही मिनट तो बीता है, इसीलिए पास्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है 5:15, मतलब कि 5 बजने के बाद 15 मिनट बीत चुका है, 5:15, 5 बजने के बाद 15 मिनट बीत चुका है। ठीक है, और यही कांटा जब इधर आ जाता है, इधर जब आ जाता है उलट जाता है तो बोलते हैं 5:45, मतलब अब 5 तक कब का ख़त्म मामला, अब बोलते हैं 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, मतलब 5:45, जब इधर कांटा आ गया तो 5:45 हो गया। तो यही सीखेंगे हम यहाँ पे, अगर कोई कांटा हमारा मिनट्स वाला हैंड, अब देखिए हमने एक हैंड को यहाँ पे 5 के यहाँ पे फिक्स कर देते हैं इसको छोटा वाला, अब घड़ी ऊपर सीधा बज रहा है, ऊपर सीधा ऊपर है तो बोलेंगे क्या, 5:00 बोलेंगे। यही घड़ी का कांटा यहाँ पे आ जाएगा तो बोलेंगे 5:05,
पास्ट फाइव, बोलने का तरीका ध्यान से देख लें, फाइव पास्ट फाइव होता है, ठीक है। यही कांटा चलता हुआ यहाँ पे आ जाए तो बोलेंगे टेन, अब हो जाएगा ये टेन पास्ट फाइव। अब यही कांटा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए तो आप बोलेंगे क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट फाइव। अब यही कांटा यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए तो बोलेंगे अब ट्वेंटी पास्ट फाइव। अब यही कांटा यहाँ से यहाँ पे आ जाए तो बोलेंगे ट्वेंटी फाइव पास्ट फाइव। अब यही कांटा यहाँ पे आ जाए, मिनट वाला हैंड यहाँ पे आ जाए तो आप बोलेंगे हाफ पास्ट, मतलब कि आधा टाइम बीत चुका है पाँच का। अब जैसे ही ये मिनट वाला हाथ यहाँ से हल्का भी यहाँ से खसकेगा, एक मिनट भी इधर खसका, एक मिनट भी इधर खसका, तो यहाँ पे 30 था तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। तो ये बोलेंगे अब पाँच भी मिट जाएगा, अब हो जाएगा 29 to 6। अब सीधा यहाँ से 6 का कॉन्सेप्ट आने लगेगा क्योंकि ये अब 6 के करीब ज़्यादा जाने लगता है। अब यही कांटा यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 25 to 6। यही कांटा यहाँ पे आ जाएगा तो 20 to 6 हो जाएगा। यही कांटा यहाँ पे आ जाएगा तो 25 to 6 हो जाएगा। यही कांटा यहाँ पे आ जाएगा तो 10 to 6 हो जाएगा। यही कांटा यहाँ पे आ जाएगा तो 5 to 6 हो जाएगा। और यही कांटा यहाँ पे आएगा तो इस समय 6 बच जाएगा क्योंकि छोटा कांटा पूरी तरीके से 6 पे नीचे आ चुका होगा तो हो जाएगा 6 o'clock। आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉक एंड द करेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग टाइम इज वेरी क्लियर टू यू। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, उसको देख लेते हैं ध्यान से, कर लेते हैं साथ में मिलके। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो था पास्ट इधर वाला हिस्सा वो कहते हैं, टू इधर वाला हिस्सा वो कहते हैं। ये चीज़ मैंने समझा दिया है, डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। अब बताइए व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ। अब देखिए यहाँ पर साइकिल देके बताइए कौन सा साइकिल है। जब एएमपी 12 घंटे वाली घड़ी में हमें साइकिल पता होना चाहिए तभी हम सही टाइम बता पाएंगे, ठीक है। और साइकिल का मतलब है कि आप बता सकते हो कौन सा पहले है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है। क्योंकि पहले फर्स्ट साइकिल में हमारा मॉर्निंग से हमारा मॉर्निंग आता है, ठीक है, और क्या कहते हैं मॉर्निंग आता है, थोड़ा सा नाइट आता है, और सेकेंड साइकिल में हमारा आफ्टरनून आता है, ठीक है, और इवनिंग आता है और थोड़ा सा नाइट आता है। अब चलिए देखते हैं टाइम क्या। पहले वाले में देखिए 12 o'clock लिखा है, नीचे देखिए नून था, एंड ऑफ फर्स्ट साइकिल एंड एंड ऑफ सेकेंड साइकिल, मिडनाइट है। अगर नून है इसमें साइकिल, अगर फर्स्ट साइकिल दिया है तो दोपहर का टाइम होगा, अगर सेकेंड साइकिल दिया है तो मिडनाइट हो जाएगा, रात हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सेकेंड साइकिल मिडनाइट हो जाएगा क्योंकि पता है हमें 8 से 4 के बीच का जो टाइमिंग होता है सेकेंड साइकिल में पड़ता है। यहाँ पर बताइए कितना बज रहा है, यहाँ पर फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट साइकिल है, इट्स 3 o'clock, नीचे है, ऊपर है, 12 पे है, तो ये 3 o'clock हो जाएगा। और फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट साइकिल मतलब 3 o'clock मॉर्निंग हो जाएगा, 3 o'clock नाइट हो जाएगा, 3 o'clock नाइट हो जाएगा क्योंकि 3 बजे रात का समय हो गया। देखते हैं अब ये 8 o'clock हो गया क्योंकि 12 पे है मिनट्स वाला हैंड। यहाँ पे देखिए फर्स्ट साइकिल है, मतलब फर्स्ट साइकिल है तो ये मॉर्निंग टाइम हो गया। अगला देख लेते हैं फटाफट, सेकेंड साइकिल बता रहा है 4 o'clock, सेकेंड साइकिल मतलब इवनिंग है, यहाँ पे सेकेंड साइकिल है, फिर से सेकेंड साइकिल है, मतलब कि ये सेकेंड साइकिल मतलब हो गया हमारा शाम का समय, सेकेंड साइकिल हमारा इवनिंग हो गया, तो ये हो जाएगा 3 o'clock इवनिंग। अगला देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा हो गया सेकेंड साइकिल, सेकेंड साइकिल मतलब हमारा फिर से ये शाम का समय हो गया, शाम का समय का मतलब ये क्या हो गया, ये जो हमारा सेकेंड साइकिल जो हमारा हो गया तो ये जो है हमारा टोटली ये जो सेकेंड साइकिल हुआ तो ये हमारा ये तो हो गया कितना, देख लेना आप, ये मिनट्स वाला हैंड 3 पे है, मतलब कि क्वार्टर पास्ट 9 पे से गया है तो क्वार्टर पास्ट 9, और ये हमारा जो हो जाएगा सेकेंड साइकिल में नाइट, ठीक है। अगला देखिए, ये यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट साइकिल, मॉर्निंग वाला टाइम हो गया तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 4 पे है तो
जो चार मतलब 20 हो गया, 20 past 7 फर्स्ट साइकिल मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ 3 से गुजर के 8 पे आ गया, तो अब ये कितना बाकी है, 5, 10, 15, 20 कितना टाइम होना बाकी भी, तो 20 मिनट, तो 3 से पार किया है तो मतलब 4 वाला बात होगा यहाँ पे, तो 22:04 हो जाएगा, फर्स्ट साइकिल है तो मॉर्निंग हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड साइकिल इवनिंग वाली बात होगी, तो सेकेंड साइकिल में यहाँ 5 से आगे बढ़ा है तो कितना है ये 5:30। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ये कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी कभी पूछें। सो पीपल हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन, दैट इज टाइम जोन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड आई एम गोइंग टू सेंड वन वीडियो अलॉन्ग विद दिस लेसन टुडे। इस लेसन के साथ एक वीडियो जाने वाला है, उसमें आपको टाइम जोन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा, बट वो बहुत ज़्यादा ही फास्ट एंड हैविंग थोड़ा मतलब हर इंग्लिश में है, इसलिए समराइज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। साइंटिफिक जो बच्चों ने अच्छे से साइंस पढ़ा है अपने स्कूल टाइम पे बचपन में, उनको पता है ये चीज़ें, जो हमारा ग्लोब है, हमारी जो धरती अर्थ है, इसको 24 पार्ट्स में बांटा गया है। 24 लाइंस इस तरीके से खींचे गए हैं इस तरीके से खींचे गए हैं, ठीक है। अभी जो लाइंस खींचे गए हैं इनको कहा गया है टाइम जोन्स में बांटा गया है। कितने टाइम जोन्स में बांटा गया है, 24। एक हमारा सबसे ग्रीनविच जो एक इलाका है, ग्रीनविच जो हमारा इलाका है, वो सबसे उसको हमारे टाइम का मतलब कि बहुत से लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि यार इस तरीके से अलग अलग टाइम हर देश में है, कभी कोई कहीं पहुंच जाता है, समझ नहीं आता टाइम का मामला, तो टाइम ना एक थोड़ा सेट होना चाहिए, इसका भी एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या कि पूरी धरती को 24 भाग में बांट दो और सबसे बीच में एक निशान को मारो जो कि ग्रीनविच से गुजरे, उसको हम ज़ीरो मानेंगे, उसको हम ज़ीरो मानेंगे, पैमाना हमारा ग्रीनविच वाला लाइन होगा, ग्रीनविच इसको कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन ग्रीनविच नहीं कहते हैं, ग्रीनविच कहते हैं। तो ग्रीनविच जो होगा हमारा मेन लाइन रहेगा, उससे जो लाइन जितना दूर रहेगा उस लाइन में एक घंटा प्लस या एक घंटा माइनस होता चला जाएगा, कितना, एक घंटा प्लस या एक घंटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। कभी मोबाइल में अपने आप टाइम सेट किए हैं कभी, तो इंडिया कैसे सेट करते हैं, इंडिया का जब टाइम जोन सेट करते थे, इंडिया का जो टाइम जोन है वो है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो +5:30 है, 5.5 घंटा। मतलब कि हमारा जो टाइम जोन है, हमारा वाला जो लाइन है, इस ग्रीनविच के लाइन से 1, 2, 3, 4, 5 और आधा, मतलब कि 5.5 लाइन की दूरी पे है। इसीलिए हम लोग जो हैं अपना टाइम 5:30 5.5 घंटा सेट करते हैं, 5.5 घंटा सेट करते हैं, तो दुनिया की तमाम घड़ी जहां भी आप 5.5 घंटा टाइम जोन सेट करोगे वहां इंडिया का टाइम दिखाने लगेगा, ठीक है। अब ग्रीनविच से इस तरफ जाने में प्लस का कॉन्सेप्ट चलता है और उल्टी साइड जाने में माइनस का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आप अमेरिका कनाडा की तरफ जाओगे तो माइनस 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 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होता चला जाएगा, तो जो देश यहाँ पे पड़ेंगे उनका टाइम जोन वो हो जाएगा। हमारे देश के पास सिर्फ एक ही टाइम जोन है जो है 5:30 वाला, 5:30 वाला टाइम जोन है, वो भी प्लस के साथ, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे देश भी हैं जो एक से ज़्यादा टाइम जोन पे वो हैं, ठीक है, वहाँ एक से ज़्यादा टाइम जोन फॉलो होता है, जैसे कि एक हमारा अमेरिका भाई साहब हो गया USA, तो USA और दूसरा कनाडा भी हो गया, ऐसा ही और भी देश हैं, कनाडा USA के अलावा भी और देश हैं जहाँ एक से ज़्यादा टाइम जोन फॉलो होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि कोई इंसान USA अमेरिका के नीचे वाले कोने में अपना बर्थडे मना रहा है और वो गलती से शाम से 2 घंटे के अंदर दूसरे वाले कोने पर चला गया, तो उसको वापस से दोबारा बर्थडे मनाना पड़ेगा। काहे इसलिए दोबारा से बर्थडे मनाना पड़ेगा कि अभी तो 12 यहाँ बजा था,
तो बर्थडे मना लिया, लेकिन जैसे दूसरी जगह 12 बजता उससे पहले वहाँ पहुँच गया तो दोस्त कह रहे बर्थडे हो गया, बर्थडे पार्टी द पार्टी होता है कि नहीं होता है। जो लोग के सगे संबंधी जानने वाले इंडिया से बाहर रहते हैं, जैसे कि सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, अमेरिका हो गया, वो लोग जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सऊदी अरेबिया ले लेते हैं, तो इंडिया में जिस समय 12 बज रहा होता है, मान लीजिए 12 को छोड़ दीजिए, जिस समय दिन का सुबह का टाइम ले लेते हैं, सुबह का 10 अगर बज रहा है इंडिया में, जिस समय सुबह का 10 बज रहा है उस समय सऊदी अरेबिया में कितना बज रहा होता है, उस समय सऊदिया में 7:30 बज रहा होता है सुबह का। क्यों ऐसा बज रहा होता है, क्योंकि हम लोग जो ग्रीनिच मेरिडियन टाइम है उससे 5.5 घंटा दूर हैं, मतलब कि सऊदी जो है हमारा कितना दूर होगा, वो हमारा दूर होगा 3 घंटा +3, ठीक है, तो वो +3 पे है, इसलिए वहाँ हमसे 2.5 घंटा लेट टाइम चल रहा है। जब हमारे यहाँ 5:30 बजता है तो उनका 3 बज रहा होता है, जब हमारे यहाँ 10 बज रहा है तो वहाँ 7:30 बज रहा होता है, तो 2.5 घंटे का फर्क आ गया। कभी कभी कुछ ऐसे देश भी हैं जब हमारे यहाँ 12 बज रहा होता है तो उनके यहाँ 12 बज रहा होता है। अक्सर सुने होंगे USA कनाडा में शिफ्ट में जो काम करते हैं वो कहते होंगे हम तो नाइट शिफ्ट में काम करके आ रहे हैं, ठीक है, कभी बात कीजिएगा उनसे, पूछिएगा कि आपके क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है, क्या सोते सोते बात करते हैं, तो कहेंगे नहीं रे बुड़बक, वो लोग जगह ना रहता है, वो लोग क्या दिन रहता है। तो सोचिए हम लोग का क्या दुविधा है कि उनके लिए हम लोग रात को जग के काम करते हैं और वो उनके लिए दिन ही रहता है। तभी जो USA कनाडा वाली जो कंपनीज होती है, MNCs होती है, वो दिन में अक्सर कम लोगों को रखती है, रात में ज़्यादा लोगों को रखती है, क्योंकि जब हमारे यहाँ रात होता है तो उनके यहाँ दिन होता है। आई होप ये टाइम जोन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया और ये क्लियर है। आई होप आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसमें और भी ज़्यादा लर्निंग है, और भी ज़्यादा सीखने की चीज़ें हैं, और सीखने के बाद आप बताइएगा व्हाट वाज़ द वीडियो अबाउट, वीडियो में और क्या क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ टेल मी इन द लाइव क्लास व्हाट आर द मेन अदर थिंग्स इन द वीडियो। सेकेंड क्वेश्चन नोट करते जाइए आप, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए, इज देयर एनीथिंग कन्फ्यूजिंग फॉर यू, इज देयर एनीथिंग कन्फ्यूजिंग फॉर यू, व्हाट, क्या वहाँ पर कुछ कन्फ्यूज करने वाली चीज़ें भी हैं तो बताइए क्या है वो, ओके। एंड व्हाट इज वन न्यू फैंटास्टिक थिंग यू लर्न अबाउट टाइम जोन, व्हाट इज वन न्यू फैंटास्टिक थिंग यू लर्न अबाउट टाइम जोन, प्लीज राइट इन योर नोट, प्लीज आंसर इन द लाइव क्लास अबाउट टाइम जोन, ओके। पीपल इट्स टाइम फॉर एक्शन प्लान, वर्क ऑन एक्शन प्लान। सो आपको अपने एक्शन प्लान पे काम करना है, कैसे काम करना है, अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठना है और उन लेसन्स को कंप्लीट करना है जिन लेसन्स में आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, या फिर जो लेसन्स आपके छूट गए हैं, या फिर ऐसे कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है और आपको लगता है कि उस फेज पे आपको काम करना चाहिए अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। So please work on your action plan which you made in the lesson pre-evaluation or assessing for learning or online assessing, offline assessing में जो आपने action plan बनाया है, please work on that action plan for 10 minutes at least, 15 minutes, okay? So people here, I'm back with a fantastic activity, TikTok game. So in this game, fantastic game of TikTok game, we are going to sing something, we are going to do something. What is that? तो चलिए करते हैं धिन चिका something here. So कैसे करना है आपको, मान लीजिए 9 बज रहा है आपकी घड़ी में, और ये किस तरीके से करना है कि घड़ी पे जो भी बज रहा होगा वही टाइम बताना है यहाँ पे, पर वो टाइम बताना है अपने हैंड के मूवमेंट से। मान लीजिए कि 9 बज रहा है तो हैंड के मूवमेंट से बताएंगे, छोटा वाला घंटे का आवर हैंड है, ये बड़ा वाला हमारा ये मिनट्स हैंड का काम करेगा, तो इस तरीके से बताना है। तो चलिए साथ में गाते हैं, टिक टॉक गोज अ लिटिल कुकू क्लॉक, टिक टॉक गोज अ लिटिल कुकू क्लॉक, नाउ इट इज शोइंग
नॉट शोइंग, गैस हुआ ना, 9 बज रहा है, दिखाया ना मैंने 9। तो इस तरीके से आपको भी दिखाना है अपने हैंड से, बोलना नहीं है 9 o'clock, बोलना नहीं है, हाँ से दिखाना है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए, ताकि लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पढ़ने में मज़ा आए, एक्टिविटी करने में मज़ा आए, याद करके आएंगे तो और मज़ा आएगा। टिक टॉक टिक टॉक गोज़ अ लिटिल कुकू क्लॉक, टिक टॉक टिक टॉक, क्या हो रहा है घड़ी के चलने के बाद, टिक टॉक टिक टॉक जो सेकेंड हैंड चलता है, टिक टॉक टिक टॉक गोज़ अ लिटिल कुकू क्लॉक, टिक टॉक टिक टॉक गोज़ अ लिटिल कुकू क्लॉक, नाउ इट इज शोइंग। बात समझ में आया, दिस वॉज द फुल गेम विच एवरी वन इज गोइंग टू परफॉर्म, हर एक को परफॉर्म करना है इस गेम को, तो तैयार है ना, नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। बउआ लोग, बच्चुआ लोग, अब जो हम करने वाला हूँ, एक्सरसाइज करने वाला हूँ और एक्सरसाइज का सलूशन भी बताने वाला हूँ, कैसे करेंगे देखिए पढ़ते हैं, हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका रीडिंग प्रैक्टिस होगा, ठीक है। Read the passage with a partner. असल में इसको एक पार्टनरवा के साथ पढ़ना है, एक दोस्तवा के साथ पढ़ना है, अपने क्लास में जो भी आपका पार्टनर बन सकता है, जो भी आपका दोस्त है, ठीक है। और जो कैसे पढ़ना कर रहे हैं, देखिए ध्यान से पढ़िए, मेरे साथ दोहराइए। Read the passage with a partner until about 50 years ago, 50 साल पहले, with wrist, इसको पढ़ते हैं wrist, W silent होता है, wrist watches and house clocks were not common, हाथ वाली कलाई घड़ी और घर वाला जो घड़ा, मतलब सॉरी घड़ी था घर का, वो इतना आम नहीं था। It was difficult for people to know the exact time when they were out of their homes and tall clock towers played an important role in helping people keep track of time when in public places. जब लोग घर से बाहर रहते थे तो लोगों के लिए टाइम का सही अनुमान लगाना, एग्जैक्ट टाइम पता करना बहुत मुश्किल होता था। और लोग कैसे पता करते थे, क्लॉक टावर होता था। अब देखिएगा, अभी भी जो बड़े बड़े पुराने शहर हैं वहाँ क्लॉक टावर है, तो क्लॉक टावर पे बड़ा सा घर घड़ी होता था, क्योंकि हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था घड़ी को, मतलब अफोर्ड करना, खरीद के लाना इतना आसान नहीं था, इतना सस्ता सस्ता घड़ी नहीं मिलता था पहले। तो वो जो क्लॉक टावर होता था उस पर बड़का सा घड़ी होता था और उसके ऊपर टाइम जो होता था वो देख के लोग समझ पाते थे कि अभी कितना टाइम हो रहा है, और ये लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी अहम रोल निभा रहा था। द क्लॉक टावर शो द आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन ऑफ दैट एज एंड प्लेस, अब जो क्लॉक टावर है उस समय की जो डिज़ाइनिंग थी उसको दिखाता था, उस समय की उस जगह की, हर जगह और जब जहाँ बना है उस टाइम, जो भी क्लॉक टावर देखिएगा सब जगह का अलग अलग है, जब बना था उस हिसाब से डिजाइनिंग है और जहाँ बना है उसके हिसाब से भी डिजाइनिंग होती है। द फर्स्ट क्लॉक्स यूज इन अ टावर हैड नो फेसेस एंड यूज अ स्ट्राइकिंग बेल टू अलर्ट द सराउंडिंग कम्युनिटी व्हेन टू वर्क एंड व्हेन टू प्रे। तो पहले क्लॉक टावर में जो है ना घड़ियाँ नहीं होती थी, बड़ा बड़ा घंटा होता था और उस घंटा को बजाया जाता था, और घंटा को बजा के लोगों को बताया जाता था कि कब काम करना है और कब प्रार्थना करना है, दुआ मांगना है, इबादत करनी है। द फर्स्ट क्लॉक टावर इवन बिल्ट वॉज द टावर ऑफ वेंस इन एथेंस, पहला जो क्लॉक टावर जो बना था वो एथेंस से बना था, जो कि वेंस से चलता था, हवा से चलती थी, विच हैड 8 सनडायल्स क्लॉक, इसके अंदर 8 सनडायल क्लॉक्स थी, 8 सनडायल क्लॉक्स की मदद से होता था। तो अब आपके लिए कुछ यहाँ पे है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करके आने हैं। व्हाट इज योर क्वेश्चन, इसको पढ़ने का कोई सवाल आ रहा है मन में, ध्यान से पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे तो सवाल आएगा, ऐसा ही टाइम पास के लिए कर रहोगे तो कुछ ना आएगा। तो अगर कोई सवाल आ रहा है तो लिख लीजिए यहाँ पर, हाउ कैन यू फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन, आप अपने सवालों के जवाब कहाँ ढूंढ सकते हैं, कहाँ मिलेगा आपको सवालों का जवाब, बताइए, गेस कीजिए। व्हाट इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन, आपके सवाल का जवाब अगर आपको पता है कहाँ मिलेगा तो आप सर्च कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गूगलवा पर पहुँच जाते हैं, तो ये सबसे गलत तरीका है। सबसे पहले गूगल भाई साहब के पास नहीं पहुंचना है, सबसे पहले अपना दिमाग पर जोर देना है, सोचना है कि आखिर व्हाट इज दिस एंड हाउ कैन आई गेट द आंसर।
तो सबसे पहले अपने दिमाग पर जोर देना है, फिर अपने दोस्त की हेल्प लेनी है, फिर अपने टीचर से बात करना है, लास्ट में गूगल पे जाना है, ठीक है, या फिर टीचर से पहले गूगल पे जाना है, क्योंकि गूगल पे आपको इन्फॉर्मेशन सही मिलेगा, इसका सिर्फ 10% चांस होता है, 90% टाइम गूगल गलत बताता है, क्योंकि इतना भसन मचा दिया है लोगों ने, इतना सारा डेटा डाल के, ठीक है। उम्मीद है आपने समझ गए हैं, इसको करके आइएगा, ठीक है, करके आइएगा ना। सो बच्चा लो, बउआ लोग, इसमें एक फीडबैक वाला भी एक्सरसाइज है, सी एक्सरसाइज है फीडबैक वाला, जो आप जो करिएगा, हम सबसे पूछेंगे, सबसे इसका जवाब लेंगे, काहे कि जानना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि आप लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं काहे में। व्हाट डिड यू गेट बेटर एट टुडे, आज आप किस चीज़ पे बेहतर और अच्छा फील कर रहे हैं। तो आई इम्प्रूव्ड माय, आपने अपना क्या इम्प्रूव किया आज बताइए यहाँ पे। व्हाट डिड यू स्ट्रगल विद टुडे, आज आपने किस चीज़ को सीखने में, जानने में, बोलने में परेशानी झेली है, तो उसको बताइए। आई स्ट्रगल्ड विद, तो यहाँ पे लिखना है कि आपको क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। और एक बार और मेरे साथ पढ़िए, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। व्हाट डिड यू गेट बेटर एट टुडे, I improved my, आपका आंसर, what did you struggle with today, I struggled with, आपका आंसर। तो इसको ध्यान से कीजिएगा। So, बच्चा लोग यहाँ पे एक चैंट एक्टिविटी है, चैंट मतलब चिल्लाने वाला एक्टिविटी है, तो जोर से बोलिए, I am smart, I can be smarter, I am smart, I can be smarter, I am smart, I can be smarter, मैं तेज हूँ और मैं और तेज बन सकता हूँ। और अपने दोस्तों लोग की आंखों में आंखें डाल के बोलिए, यू आर इंटेलिजेंट एंड यू कैन बी मोर इंटेलिजेंट। और एक्सप्रेशन के साथ, ऐसा नहीं है मजाक करते हैं यू आर इंटेलिजेंट, ऐसा वाला नहीं, यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन बी मोर इंटेलिजेंट। अच्छे से बोलना, प्यार से बोलना, कॉन्फिडेंस दिखा के, ताकत से बोलना है, भरपूर मजे से बोलना है। क्या बोलना है, फिर से बोलेंगे, आई एम स्मार्ट, I can be smarter, you are intelligent, you can be more intelligent, you can be more intelligent. Now our next lesson, which we are going to learn in the next coming video, that is the week. आज हमने क्या है, क्या क्या है time, तो कल करेंगे week. क्योंकि दिन पे ले जाके छोड़ा था, मैंने पहले ही बताया था कि अगले लेसन में हम वीक की बात करेंगे। सो विद अ फैंटास्टिक एक्टिविटी एंड वीडियोस, गेम्स एंड मेनी मोर थिंग्स, चलिए सीखेंगे कल का लेसन द वीक। तो सीखने के लिए बने रहिए, और अगर आज आपने कुछ भी सीखा है, लगता है कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अगला लेसन सब सीखने के लिए द वीक आएगा, द कैलेंडर आएगा, और भी बहुत सारा लेसन, फैंटास्टिक सा लेसन आएगा। और बच्चों, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है इंटरमीडिएट लेवल में, तो अभी के अभी एडमिशन लें इंटरमीडिएट लेवल में, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल में अनलिमिटेड सीट्स नहीं होती है बेसिक की तरह, उसमें फिक्स 20-25 सीट्स ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अभी तक इतनी सुधरी, अभी और बेहतर हो जाए, प्रोफेशनल हो जाए, और अदर प्रोफेशनल लर्निंग जैसे कि वेबसाइट, ब्लॉग, एडिटिंग, राइटिंग, ईमेल राइटिंग वगैरह कोर्स, और क्या कहते हैं MOOC वगैरह, तो इन सब चीज़ों की लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग और फैंटास्टिक सा लेवल में पहुंच जाए, तो इसके लिए इंटरमीडिएट लेवल अभी का भी ज्वाइन करें, अपनी सीट अभी रिजर्व करें, बिकॉज इंटरमीडिएट लेवल में सीट फिक्स है, लिमिटेड है। तो चलिए मिलते हैं।